शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में बाइक सवार पति पत्नी के साथ लूट का मामला सामने आया है, जहां दो बाइक सवार बदमाश चलती बाइक से महिला का पर्स छीनकर भाग गए। इस घटना में बाइक सवार दंपति और उसकी दो बेटियां गिरकर घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक भद्रवास कस्बे के गल्ला मंडी के पीछे रहने वाले रतिराम पुत्र दुर्जन सिंह जाटव उम्र 32 साल अपनी पत्नी पूनम और दो बेटी जियाशी उम्र 4 साल यशस्वी उम्र 1 साल के साथ बाइक पर सवार होकर बीती रात अपने ससुराल देहरदा गांव जा रहा था। इस दौरान जब रतिराम लुकवासा बाजार से होते हुए शिवनाथ ढाबा के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए बाइक सवारों ने चलती बाइक से पूनम के हाथ से पर्स छीन लिया और बाइक को कट मारते हुए मौके से फरार हो गए। कटबाजी का शिकार होने के चलते बाइक बेकाबू होकर गिर गई, जिससे पति पत्नी और दो बेटियों को चोटें आई है। रतिराम जाटव के मुताबिक उसकी पत्नी के पर्स में 47,000 रुपए नकदी और दो चांदी के पट्टे और एक मोबाइल रखा हुआ था, जिन्हें बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। सभी को उपचार के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने पीड़ित रतिराम जाटव के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।